ઉત્સાહભેર પતંગ ઉડાવતા હોય છે। સુરતના સાંસદ દર્શના જરદોશ પર દર વર્ષે ઉત્તરાયણને ખૂબ જ ઉત્સાહભેર ઉજવતા હોય છે। મૂળ સુરતી સ્વભાવના હોવાને કારણે તેઓ મકર સંક્રાંતિનો તહેવાર ગમે ત્યાં પ્રવાસ હોય પરંતુ સુરત પહોંચી જતા હોય છે અને પોતાના મત વિસ્તારના અને પરિવારના લોકો સાથે ઉત્તરાયણની મોજ માણતા હોય છે। પતંગ ચગાવવાના ખૂબ જ શોખીન સાંસદ દર્શનાબેન આજે સવારે ધાબા ઉપર જઈને પોતાના મિત્રો સાથે પતંગ ચગાવતા જોવા મળ્યા હતા। આ સાથે તેમણે લાડુ અને ચીકી પણ વેચ્યા હતા। રિપોર્ટિંગ બાય ઉદય મેર, સુરત। आज के दिन खास करके गुजरात में उत्तरायण का पर्व लोग एक साथ में पूरी टेरेस के ऊपर पतंग चला के बहुत अच्छे से मनाते हैं। जब से इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने करी तब देश विदेश के पतंगबाज भी यहाँ पे आते हैं और पतंग ओरिजिनल बनती भी इधर है। यहाँ से वैरायटी भी बहुत है, जो डोरी होती है उसके लिए भी बहुत सारी वैरायटी होती है। और यहाँ के लोग जो 14 जनवरी का बहुत बेसब्री से राह देखते हैं, खास करके जब वो सैटरडे संडे आता है तो उसका उत्साह दुगना हो जाता है। दो साल के कोविड के समय के बाद में ये साल वाली उत्तरायण बहुत अच्छी है। 2023 का साल हमारे लिए नई किरण लेके आया है। बहुत अच्छे से लोग सेलिब्रेशन के मूड में हैं और जो अमृतकाल चल रहा है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, वो अमृतकाल में नई नई चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। ये साल मिलेट्स ईयर के नाम पे भी जाना चाहिए। जब G20 का शोकेसिंग हो रहा है, पूरी दुनिया की नज़र जब भारत के ऊपर है, तब ये भारत का एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ में आप देखिए सभी प्रकार के लोग, सभी उम्र के लोग एक साथ में उत्तरायण का पर्व मना रहे हैं। हम लोगों को साथ में लेके एक नई उमंग लेके आता है। जब उत्तरायण का जो उत्तरायण दिशा में प्रवेश होता है तो आज से शुभ कार्य की भी शुरुआत होती है। तो ये 21 की सभी भारत की सभी सदी है और 23 में बहुत अच्छा भारत का एक ग्लोबल इमेज होगा, जिसमें मैं सबको शुभकामना देती हूँ। बड़ी पली हूँ, जहाँ से मैं रहती हूँ वहाँ सुबह से 7:30 बजे से लोग जाते थे, अगले दिन उसकी तैयारी करते थे। पतंग चगाना, खास करके टूटी हुई पतंग पकड़ के उसको चगाना, क्योंकि वो पतंग का कोई और आनंद होता है। तो ये सब धीरे धीरे कम होने लगा है, लेकिन फिर भी ये जो सूरत की पहचान है, ओरिजिनल सूरती लोगों की पहचान है कि कई ऐसे त्यौहार है कि जिसमें वो लोग शुरुआत करते हैं, तो जनवरी की ये शुरुआत यहीं से होती है।